Hello everyone. Today we start discussing about the paper Financial Markets, Institutions and Financial Services. आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इस पेपर के बारे में और ये पेपर रांची यूनिवर्सिटी के सिलेबस में बीकॉम सेमेस्टर 5 में डीएससी 2 पेपर में है और एमकॉम सेमेस्टर 4 में ईसीकॉम 401 में है जो कि फाइनेंस वाला सेक्शन है. ठीक है, एम कॉम में 3 मिलता है, फाइनेंस, एचआर एंड मार्केटिंग. तो ये फाइनेंस का पेपर है. तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं हम लोग. तो पहले देखते हैं कि इंट्रोडक्शन क्या है, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम क्या है, पहले वो देखते हैं. देखिए, फाइनेंशियल सिस्टम में क्या है, तीनों चीज शामिल है, फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड फाइनेंशियल सर्विसेज. तो सबसे पहले आज का लेक्चर में बेसिकली हम लोग ये देखेंगे कि इंडिया में फाइनेंशियल सिस्टम का फेजेस क्या था, किस किस चरण में चले हैं. ओके, तो इन द मॉडर्न इकोनॉमिक सिनेरियो ए साउंड फाइनेंशियल सिस्टम इज इंपॉर्टेंट एज इट हेल्प्स इन इकोनॉमिक प्रोडक्शन कैपिटल ग्रोथ बाय इंकरेजिंग सेविंग हैबिट्स एंड मोबिलाइजिंग सेविंग फ्रॉम सरप्लस सेक्टर इन्वेस्टिंग देम इन प्रोडक्टिव सेक्टर लाइक ट्रेड कॉमर्स मैन्युफैक्चर एटसेट्रा. मीन्स फाइनेंशियल सिस्टम, अच्छी फाइनेंशियल सिस्टम, अच्छी वित्तीय प्रणाली किसको कहेंगे हम लोग, जो इकोनॉमिक प्रोडक्शन और कैपिटल ग्रोथ को इनकरेज करे, इनको बढ़ाए. किस कैसे, सेविंग हैबिट से, जो भी आप सेविंग करेंगे अपने सेक्टर से. और कहाँ उसको लगाना, प्रोडक्टिव सेक्टर में, ट्रेड में या कॉमर्स में या मैन्युफैक्चर टाइप के सेक्टर्स में, सर्विसेज भी हो सकते हैं. द इफेक्ट इफेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ अ फाइनेंशियल सिस्टम इज ऑफ ए क्रिटिकल इंपॉर्टेंस इन द मॉडर्न इकोनॉमी विच अलाउज द फ्लो ऑफ फंड्स फ्रॉम सरप्लस यूनिट्स टू डेफिसिट यूनिट्स. जो हम लोग आप मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़े होंगे, जो भी सेक्टर पढ़ते हैं, वेरियस सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, तो किसी किसी सेक्टर में डिफिसिट हो सकता है. ओके, और किसी सेक्टर में सरप्लस हो सकता है. तो हम लोग क्या करेंगे, जो सरप्लस सेक्टर से, वहां से हमारा फाइनेंस, या आप कह सकते हैं एकदम लिटरल लैंग्वेज में मनी कह सकते हैं, तो उसको सरप्लस से डिफिसिट यूनिट्स में हमको फॉलो करना है. दस ए फाइनेंशियल सिस्टम इज अ सेट ऑफ इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स. मीन्स क्या है, फाइनेंशियल सिस्टम कुछ संस्थाओं का अरेंजमेंट है, ग्रुप है, थ्रू विच फाइनेंशियल सरप्लसेस आर मोबिलाइज फ्रॉम यूनिट्स जनरेटिंग सरप्लस इनकम एंड ट्रांसफरिंग देम टू अदर्स इन नीड ऑफ देम. मीन्स क्या करना है, जब फाइनेंशियल सरप्लस, जो भी सरप्लस होगा, सीधा मैंने में कहा जाए, जो भी बचत होगी उसको यूज करना है जिनको जरूरत है, सिंपल वाइने में कहा जाए, ट्रांसफरिंग देम टू अदर्स इन नीड ऑफ देम. इट इंक्लूड्स क्या क्या इसमें शामिल है, देखिए कहे ना, फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इंस्टीट्यूशंस में इंस्ट्रूमेंट का ट्रेडिंग होता है इसलिए इंस्ट्रूमेंट्स, सर्विसेज एंड मैकेनिज्म दैट इन्फ्लुएंस द जनरेशन ऑफ सेविंग इन्वेस्टमेंट कैपिटल फॉर्मेशन एंड ग्रोथ. तो ये हमारा इंट्रोडक्शन हो गया फाइनेंशियल सिस्टम का. ओके, नेक्स्ट हम लोग डिफिनेशन देखते हैं, वेरियस डिफिनेशन. अकॉर्डिंग टू वैन हॉर्न, फाइनेंशियल सिस्टम सर्व्स द पर्पज ऑफ फाइनेंशियल मार्केट टू एलोकेट सेविंग efficiently in the saving efficiently in an economy to ultimate users either for investment in real assets or for consumption. So इर्द गिर्द किसके इर्द गिर्द घूम रहा है फाइनेंशियल सिस्टम, सबसे पहले तो देखिए यहाँ पे है आपका सेविंग्स, है ना, सेविंग्स होना चाहिए. सेविंग्स होगा तभी आप फाइनेंशियल मार्केट में वर्क कीजिएगा, देखा जाए तो जो भी सेविंग्स होगा उसको अलोकेट करना है किसी भी इकोनॉमी में, जिस इकोनॉमी में है, चाहे आप इंडिया का बात करें और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, और पहुंचना चाहिए टू द अल्टीमेट यूजर्स जिनको जरूरत है, किस रूप में, या तो रियल एसेट्स का इन्वेस्टमेंट हो सकता है या कंजम्पशन. सेकेंड है, अकॉर्डिंग टू रॉबिन्सन, द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम इज टू प्रोवाइड ए लिंक बिटवीन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट. बस यहीं पर बात है, सेविंग और इन्वेस्टमेंट के बीच एक लिंक बनाना है, जहां पे क्या होगा, आप क्रिएशन ऑफ न्यू वेल्थ, नए पूंजी बनेगी, एंड परमिट पोर्टफोलियो एडजस्टमेंट इन द कंपोजिशन ऑफ एग्जिस्टिंग वेल्थ. यहाँ पे पोर्टफोलियो एडजस्टमेंट होगा. पोर्टफोलियो मीन्स सिंपल मायने में कहा जाए एक बास्केट होता है जहाँ पे आप डिफरेंट टाइप ऑफ सिक्योरिटीज एलोकेशन होते हैं. ओके, तो ये हो गया डिफिनेशन. द
जिसमें आपका साफ बात कहा गया है कि सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट, पूरा डिफिनेशन को अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट के बीच में आपको लिंक प्रोवाइड करना है ताकि न्यू वेल्थ का क्रिएशन हो और जो एग्जिस्टिंग वेल्थ है उसमें पोर्टफोलियो का एडजस्टमेंट हो सके। नेक्स्ट हम लोग इवोल्यूशन ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम इन इंडिया, मतलब इंडिया में फाइनेंशियल सिस्टम कैसे लागू हुआ, कहाँ से आया, ये चेक करेंगे हम लोग। इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम हैज पास्ड थ्रू अ नंबर ऑफ फेजेस एंड इट इज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड रिवोल्यूशन इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। देर आर नंबर ऑफ डिफिकल्टीज इन द सिस्टम, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए विच स्टार्टेड विद देम, देखिए स्टार्टेड विद देम बार्टर सिस्टम, आप लोगों को अच्छे से पता होगा, एंड रीच टू द फेज ऑफ यूनिवर्सल बैंकिंग जो अभी आप लोग देख रहे होंगे। आप इंडिया से कहीं भी बैंकिंग कर सकते हैं आउट ऑफ द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ओके, तो क्या फेजेस है वो देखते हैं हम लोग। सबसे पहले आया हमारे पास बार्टर सिस्टम, आप लोगों को अच्छे से पता है, फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज प्रमोटेड ट्रेड एंड ट्रेड इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ट्रेड में क्या है, ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होता था, ठीक है। फिर क्या हो गया, ए एक्सचेंज इन्वॉल्व इट सॉरी ए ट्रांजेक्शन इन्वॉल्विंग परचेज ऑफ सेल ऑफ एनी कमोडिटी विदाउट एग्जिस्टेंस ऑफ एनी कॉमन मेजरमेंट। पहले कोई कॉमन मेजरमेंट नहीं होता था, अभी मनी आया है, बार्टर सिस्टम में कोई कॉमन मेजरमेंट नहीं था तो उसे बार्टर सिस्टम कहते थे। अब बार्टर सिस्टम क्या हो गया, प्रॉब्लम आया उसमें, जरूरत पड़ता था हम लोग को इंस्ट्रूमेंट का जरूरत पड़ना, क्योंकि अगर किसी चीज किसी इंसान को चावल का जरूरत है तो उसको वो चावल जिसको जरूरत है उसको परचेज उसको देखना होगा, उसके बदले वो दूसरा क्या दे सकता है, उसके बदले वो दूसरा क्या दे सकता है, मीन्स गुड्स एक्सचेंज होते थे और वो गुड्स का नीड होना भी जरूरत था। तो नेक्स्ट पर्सन है जो आपका सेलर होगा उसको वो गुड्स का जरूरत होगा कि नहीं, वो भी उस टाइम बार्टर सिस्टम में देखना पड़ता था। तो ये नीड सेटिस्फाई करना जरूरत था, वो नीड कैसे सेटिस्फाई हुआ, मनी का एवोल्यूशन मुद्रा का आने के बाद। नेक्स्ट है हमारा, उसके बाद क्या आया, मनी लेंडर्स। मनी लेंडर्स मीन्स हिंदी में कहेंगे हम लोग इसको साहूकार या महाजन कह सकते हैं। जैसे ही मनी का कॉन्सेप्ट आया, एक्सचेंज ऑफ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, तो साहूकार आ गए, मनी लेंडर्स आ गए। ओके, आर जब जनरेटिंग मोर प्रॉफिट आउट ऑफ बिजनेस यूनिट इनिशिएटेड पीपल टू इंडल्ज इनटू एन एक्टिविटी वेयर कमोडिटी ट्रेडेड वाज बी मनी। अब मनी का कमोडिटी ट्रेड होने लगा, इट मींस क्या हो गया, आप किसी को भी पैसा की जरूरत होती थी वो मनी लेंडर्स के पास जाता था, उनसे कमीशन बेसिस पे या फिर इंटरेस्ट के बेसिस पे उनको मनी या लोन, आप एक महीने में कहा जाए बोरोवंस मिल जाता था। ओके, दे बोरो मनी फ्रॉम मार्केट एट लोअर रेट एंड यूज टू लेंड मनी एट हायर रेट एज पर नीड एंड सीजनल डिमांड ऑफ मनी इन द मार्केट। मीन्स मनी लेंडर्स का साहूकार का काम क्या था, उसका प्रॉफिट कहाँ से आएगा, मीन्स जिस रेट से वो लेता है, मार्केट से लेगा वो लोअर रेट से लेगा, ठीक है, मार्केट से वो लोअर रेट पे लेगा मनी, और जब भी उसको किसी को लेंड करना हो मनी, किसी को उधार देना हो, तो वो हायर रेट पे मनी उधार देगा। ओके, तो मनी लेंडर्स कंसिडर्ड एज फर्स्ट स्टेज ऑफ फंक्शनिंग ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम, ये मनी लेंडर्स फर्स्ट स्टेज माना गया है फाइनेंशियल सिस्टम का। ओके, जहाँ पे डिपॉजिट और सेविंग्स का काम होने लगा। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसके बाद क्या है। नेक्स्ट हमारा चिट फंड्स, चिट फंड्स जिसे हिंदी में भी हम लोग चिट फंड कहते हैं। मनी लेंडर्स वेयर हैविंग सर्टेन ड्रॉबैक्स और लिमिटेशन, देखिए फेज क्या आएगा, फेज मीन्स इंप्रूवमेंट इन द प्रीवियस फेज। नेक्स्ट फेज कब आएगा, जब आपका प्रीवियस फेज में कुछ प्रॉब्लम हो उसमें इंप्रूवमेंट करना हो तो नेक्स्ट फेज आएगा। अब चिट फंड आया इसके बाद, मनी लेंडर्स के बाद, तो इट मीन्स मनी लेंडर्स में कुछ प्रॉब्लम्स था, क्या प्रॉब्लम्स, ड्रॉबैक्स है, लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स, फंड्स का लिमिटेड अवेलेबिलिटी था, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट था। ओके, क्योंकि बहुत कम ही मनी का यहाँ पे अवेलेबल था। टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम इंडिविजुअल्स बिजनेसमैन कम विद अ मेथड ऑफ कलेक्टिंग फंड्स एंड गिविंग इट अ शेप ऑफ ह्यूज कैपिटल विच कैन मीट आवर स्पॉन्टेनियस रिक्वायरमेंट ऑफ बिजनेस नॉन एज चिट फंड्स। इसको ओवरकम करने के लिए, मतलब फंड की कमी को
और इंटरेस्ट का रेट को हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट को ओवरकम करने के लिए नया मेथड अपनाया गया जिसे हम लोग चिट फंड कहते हैं। तो इसमें क्या होता है चिट फंड में कि कुछ लोग सेम ऑब्जेक्टिव्स सेम ऑब्जेक्टिव से मिलते हैं एंड नोन टू ईच अदर, एक दूसरे को पहचानते हैं विथ रेस्पेक्ट और टू क्रेडिबिलिटी। किस रूप में पहचानते हैं? क्रेडिबिलिटी के रूप में, मीन्स कितना एक दूसरे के प्रति दायित्व है, या जानते होंगे कि ये पैसा दे सकता है नहीं दे सकता, इस प्रकार से वो जानते होंगे। कम टुगेदर एंड पूल्ड मनी ऑफ इक्वल अमाउंट, सेम अमाउंट का पूल करते हैं मनी, मतलब सेम अमाउंट कलेक्ट करते हैं एक जगह, विच कैन बी यूज्ड बाय एनी वन ऑफ द मेंबर ग्रुप। इस मतलब ग्रुप मान लीजिए 10 लोगों का ग्रुप है, 10 लोगों का ग्रुप है, 10 लोग 1,000 रुपया करके पेमेंट पूल कर रहे हैं, मतलब एक जगह कलेक्ट कर रहे हैं। तो इस 10 लोगों में से कोई भी जब जरूरत होगा तो इसमें 10 × 10 × 1000 कितना होगा? 10,000 हो गया, 10,000। तो 10,000 में से एक लिमिटेड अमाउंट, फुल अमाउंट तो नहीं देगा, लिमिटेड अमाउंट मान लीजिए 9,000 या 8,000, इसमें से 10 मेंबर में से किसी एक को दिया जाएगा जब उसको जरूरत होगा। ठीक है, फिर क्या होगा नेक्स्ट टाइम, क्या होगा फिर जब वो लोग मीटिंग करेंगे तो यही सेम प्रोसेस रिपीट होगा। लेकिन जो ये पर्सन ले चुका है, ये पर्सन मान लीजिए ए, ये पर्सन अगर ले चुका है तो इसको नेक्स्ट टाइम में नहीं मिलेगा, ठीक है, क्योंकि वो पहले ले चुका है। तो रिमेनिंग जो 9 रहेंगे वो ले सकते हैं। ऐसे ही चिट फंड्स का कॉन्सेप्ट था। अब इसके बाद क्या आया? इंडिजिनियस बैंकिंग, इसे हम लोग हिंदी में कहेंगे स्वदेशी बैंकिंग। ठीक है, ड्यू टू सर्टेन ड्रॉबैक्स ऑफ मनी लेंडर, साहूकार का कुछ कुछ ड्रॉबैक्स था, लिमिटेड फंड्स एंड हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, और चिट फंड का क्या क्या प्रॉब्लम था, नो गारंटी ऑफ द ग्रुप मेंबर। अब ग्रुप मेंबर पैसा लेके भाग गया कहीं तो फिर कैसे होगा, प्रॉब्लम आ जाता था। तो यहाँ पर कुछ रिक्वायरमेंट जरूरत पड़ा, तो फिर क्या कंसेप्ट आ गया नया, मनी लेंडर का ही डेवलप फॉर्म, मनी लेंडर का ही डेवलप फॉर्म आ गया जिसे हम लोग इंडिजिनियस बैंकिंग या उस वक्त हम लोग स्वदेशी बैंकिंग कहते थे। तो क्या हो गया, अंडर दिस सिस्टम क्या है, अलोंग विद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लोन एट हाई रेट, मनी लेंडर स्टार्टेड एक्सेप्टिंग डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक। तो यहाँ पे क्या हो जाता था, लिमिटेड फंड हो जाता था जब मनी लेंडर क्या करते थे, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, हाई रेट पे वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लोन करते थे और डिपॉजिट बहुत कम रेट में देते थे, डिपॉजिट पे इंटरेस्ट बहुत कम रेट देते थे। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे कुछ कुछ लोग हैं मनी लेंडर, साहूकार, इंटरमीडियरीज, ये लोग आ गए इसमें इंडिजिनियस बैंकिंग में। फिर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज, सहकारी समितियां हैं, कुछ सहकारी समितियां भी बनाई गई। उसके बाद द ड्रॉबैक्स ऑफ मनी लेंडर्स हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट रिमेन विद इंडिजिनियस बैंकर, इनके साथ भी वही रहा, स्वदेशी बैंकिंग भी आई तब भी वो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट रहा। तो फिर उसको ओवरकम करने का प्रयास किया गया, हटाने का प्रयास किया गया, कोऑपरेटिव सोसाइटी सहकारी समितियां बनाई गई। अंडर दिस सिस्टम टू हैव कंट्रोल ओवर द मेंबर्स द सोसाइटी वाज रजिस्टर्ड, रजिस्टर्ड रहता था, और सोसाइटी का फंड वाज जनरेटेड फ्रॉम द फीस ऑफ मेंबरशिप, मेंबरशिप फीस से जनरेशन किया जाता था। द पर्सन हु बिकम्स द मेंबर इंजॉय सर्टन बेनिफिट, मीन्स जो उनके मेंबर्स रहेंगे उनको बेनिफिट्स मिलेगा। ऐसे कुछ सोसाइटी में इंटरटेनमेंट फैसिलिटीज या क्लब जैसे कुछ कुछ प्रोग्राम मान लीजिए हो गए तो उनमें उनको रिकॉग्निशन मिलता था कि ये इस कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर्स हैं। एंड मेंबर कैन टेक द लोन सेट लोअर रेट्स, कुछ रेट लोअर रेट्स में वो लोन ले सकते थे, कहाँ से, इस कोऑपरेटिव सोसाइटी से, मतलब मार्केट इंटरेस्ट रेट्स जो है उससे कम में लोन ले सकते हैं, कौन, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर है। कहाँ से ले सकते थे, कोऑपरेटिव सोसाइटीज से। तो इसमें क्या फायदा होता था उन लोगों को जो यहाँ पे चीफ हो गए या फिर मान लीजिए सोसाइटी के जो हेड हो गए या प्रेसिडेंट, तो वो सोसाइटी में फेमस माना जाता था, अट्रैक्टिव पोस्ट हो गया, वो मेजोरिटी इन पब्लिक, पब्लिक में उसको ज्यादा नाम होने लगा। ये क्या हो गया, मीटिंग के लिए जब भी मीटिंग होता था तो उसका मोनोपोली धीरे धीरे होने लगा। ठीक है, मोनोपोली होने लगा किसका, जो प्रेसिडेंट होता है किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी का। तो ये धीरे 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 क्या हो गया, पॉलिटिकल स्टैंड के रूप में उभरने लगा, मींस मोनोपोली करने लगा तो पॉलिटिकल स्टैंड के रूप में उभरने लगा। तो फिर ये भी
ज्यादा देर तक नहीं चल पाया, अभी भी है, बहुत जगह अभी भी है, लेकिन ज्यादा सक्सेसफुल नहीं। नेक्स्ट हो गया ज्वाइंट स्टॉक बैंक, हिंदी में कहेंगे संयुक्त स्टॉक बैंक जो है। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ वो पॉलिटिकल स्टैंड ले लिया, पॉलिटिकल रूप ले लिया है ना, राजनीतिक रूप ले लिया। दस इट वॉज नॉट बेनिफिशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ द बिजनेस इन द इकोनॉमी, इकोनॉमी में ग्रोथ नहीं काम किया। तो ड्यूरिंग 1869 व्हेन एन एक्ट वॉज इनेक्टेड, 1869 में एक एक्ट बना गया जहाँ पे बोला गया कि दैट एनी बॉडी हैविंग लिमिटेड लाइबिलिटी वॉज गिवेन परमिशन टू एक्ट एज ज्वाइंट स्टॉक बैंक, ज्वाइंट स्टॉक बैंक के रूप में चल सकता है देश में, और एंड वॉज बिकॉज ऑफ एसिस्टेंट ऑफ रिकॉग्नाइज बाय गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट से रिकॉग्नाइज माना जाएगा। तो ये क्या हो गया, ज्वाइंट स्टॉक बैंक बनने लगा। तब उस टाइम ये था आपका, देखिए डेट देख रहे हैं ना, ईयर 1869 जब हमारा देश गुलाम था, तो ब्रिटिश आइटम्स का इंडियन डिस्कार्ड करने लगा, यूज कम करने लगा, बोल मतलब जिसे हम लोग कह सकते हैं स्वदेशी मूवमेंट का बोलाबाला था उस टाइम। ओपनिंग ऑफ ज्वाइंट स्टॉक बैंक्स एज देयर ओन बैंक वाज एक्सेप्टेड थ्रू आउट द कंट्री, मतलब अगर कोई ज्वाइंट स्टॉक बैंक खोलता है कंट्री में कहीं भी उस वक्त जब ओपन हो रहा था, तो देशवासी क्या मान, देश के लोग मानते थे कि नहीं ये अब अपना है, अपने देश का खुला है तो ये पूरा देश अपना है, तो वो सब एक्सेप्ट करते थे इस ज्वाइंट स्टॉक बैंक को। तो ये क्या करते थे, इसका काम लोन देना होता था, एग्रीकल्चर को प्रमोट करना था, और फ्लो ऑफ करेंसी चलाते रहना, करेंसी का फ्लो होते रहे, ये इनका मेन वर्क था या ऑब्जेक्ट फंक्शन। हाउएवर ओनर ऑफ दिस ज्वाइंट स्टॉक बैंक्स वाज इनएक्सपीरियंस्ड, जो इनके ओनर है वो इनएक्सपीरियंस्ड हुआ करते थे। तो फिर क्या हो गया, ड्यूरिंग द ईयर 1913 टू 1917 लगभग 80 बैंक्स क्लोज्ड हो गए, नहीं चल पाए, क्योंकि उनके जो ओनर थे वो इनएक्सपीरियंस थे, सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर पाए। फिर ये इसके बाद नेक्स्ट जाता है कंसोलिडेशन, मींस क्या हो गया, समेकन या चकबंदी, और लिटरल बोला जाए तो मर्ज करना, मिला देना, ठीक है। देखिए 1913 1913 टू 17 वर्स्ट पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ ज्वाइंट स्टॉक बैंक इन इंडिया, सॉरी ये होगा ड्यू टू, हो गया ड्यू टू लैक ऑफ एक्सपीरियंस एंड इनएडिक्वेट कैपिटल दिस बैंक्स वेयर नॉट एबल टू फंक्शन प्रॉपरली, मतलब एक्सपीरियंस का कमी, ड्यू टू लैक ऑफ एक्सपीरियंस और इनएडिक्वेट कैपिटल, कैपिटल का कमी, ये लोग काम नहीं कर पाए। तो क्या हो गया, लगभग 80 से 90 के बीच लगभग सारा बैंक क्लोज हो गए। इट वॉज फेल्ट दिस डीज ज्वाइंट स्टॉक बैंक कैन सर्वाइव, ये लोग बच सकते हैं, चल सकते हैं, जिंदा रह सकते हैं जब कंसोलिडेशन स्ट्रेटेजी अपनाया जाए, मींस चकबंदी किया जाए, मिला दिया जाए, अमलगमेशन किया जाए, किसके साथ, जो स्ट्रॉन्ग बैकिंग है, जिस बैंक का बैक अच्छा, मतलब बैकबोन ठीक है, उसका फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हो या सारा मैनेजमेंट भी उसका अच्छा हो। फर्दर द कंसोलिडेशन कंसेप्ट कंबाइन द प्रोडक्टिव रिसोर्सेज ऑफ इंडिविजुअल यूनिट टू फंक्शन इन अ ग्रुप टू एनहांस देयर प्रोडक्टिविटी, ओके। तब यहाँ पे क्या हो गया, कंसोलिडेशन को अपनाया गया। तो 1920 में, 1920 में अगर आपको याद होगा, तो थ्री प्रेसिडेंसी बैंक था, प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ कलकत्ता, प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ मद्रास एंड प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ बॉम्बे, उनको मर्ज कर दिया गया, उसे बनाया गया इम्पीरियल बैंक, ओके। उसे क्या बना दिया गया, इम्पीरियल बैंक। वही बैंक 1955 में नेशनलाइज होकर क्या बना, हमारा SBI, ठीक है। तो ये कंसोलिडेशन स्टेप उस वक्त लिया गया 1917 के बाद, समझिए 20 आसपास में, ओके 20 में। तो नेक्स्ट आ गया हमारे पास कमर्शियल बैंक, जो अभी भी बहुत पॉपुलर है। एज द बेसिक पर्पस ऑफ ज्वाइंट स्टॉक बैंक्स वाज टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ एग्रीकल्चर मिलिटेंट्स एंड नॉट टू डील इन फॉरेन पेमेंट एटसेट्रा, बिजनेस हाउसेस वे आर नॉट गेटिंग एनी सपोर्ट फ्रॉम दिस ज्वाइंट स्टॉक बैंक। अब ज्वाइंट स्टॉक बैंक का काम क्या था उस वक्त, नॉर्मली एग्रीकल्चर को और जो हमारे देश के जवान हैं उनको, और फॉरेन पेमेंट में डील नहीं कर पाते थे, मीन्स बिजनेस हाउस इससे
कोई सपोर्ट नहीं मिलता था इनको, किससे, जॉइंट स्टॉक बैंक से, बिजनेस हाउस को कोई सपोर्ट नहीं मिलता था। तो फिर बिजनेस हाउस कहाँ जाते थे, हाईली डिपेंडेंट ऑन महाजन एंड साहूकार के पास फिर उनको जाना पड़ता था। फिर क्या हो गया, डेवलपमेंट कम होगा, क्यों, क्योंकि महाजन और साहूकार के पास जाएगा तो इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई रहता था। बिजनेस हाउसेस रिक्वायर कैपिटल फॉर मीटिंग देयर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, मीन्स वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स मीन्स जो डे टू डे फंक्शन होगा बैंक्स का, उनके लिए भी कैपिटल चाहिए। नो रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन दैट विच फुलफिल्स दीज रिक्वायरमेंट्स, उस वक्त ऐसा कोई रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट नहीं था जिनसे ये काम हो सके, जो बैंक्स का वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट पूरा कर सके। तब क्या आया, कमर्शियल बैंक आया, ट्रेड एंड कॉमर्स। अब यहाँ पे ध्यान दिएगा, तब हम लोग पढ़े थे ज्वाइंट स्टॉक बैंक, वो कोई भी ओपन कर सकता था। उसके बाद ये कमर्शियल बैंक का नया कॉन्सेप्ट आया। अब यहाँ पे कमर्शियल बैंक है, बिजनेस हाउस के लिए फोकस किया गया, कमर्शियल बैंक तब आया, ठीक है। इट वॉज रियलाइज दैट कंट्री इकोनॉमी ऑफ द कंट्री डिपेंड्स अपॉन द ग्रोथ ऑफ बिजनेस हाउस, वाइल द ग्रोथ ऑफ बिजनेस डिपेंड्स ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल, सो दैट दे कैन कैरी देयर ऑपरेशन इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। बिजनेस हाउस को कैपिटल चाहिए, कमर्शियल बैंक आया। फिर वही चीज, वही बात हुआ जो 1920 में इंपीरियल बैंक आया, वो कमर्शियल बैंक के रूप में माना गया उसको। और ये जो प्रॉपर्टीज है या फिर जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हुआ। नेक्स्ट है हमारा नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स। आफ्टर इंडिपेंडेंस 1947 के बाद जरूरत पड़ा हम लोगों को सारा बैंक गवर्नमेंट के कंट्रोल में आ जाए, ठीक है। तो फिर क्या करने लगा, जितना भी प्राइवेट सेक्टर बैंक है उनको धीरे धीरे नेशनलाइजेशन किया गया, गवर्नमेंट के अंडर लाया गया, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर क्या करते थे, सिर्फ प्रॉफिटेबल सेक्टर्स को ही मनी प्रोवाइड करते थे, कैपिटल प्रोवाइड करते थे, लोन वगैरह प्रोवाइड करते थे, लेस वेटेज मिलता था किनको, एग्रीकल्चर या इंडस्ट्रियल सेक्टर को लेस वेटेज मिलता था, मीन्स जो प्रॉफिटेबल सेक्टर ना हो गए उनको लोन कम प्रोवाइड होता था। तो फिर क्या हो गया, 1949 में आरबीआई नेशनलाइज हुआ, फिर 1935 में आरबीआई इस्टेब्लिश हुआ है, लेकिन 1945 में 49 में आरबीआई नेशनलाइज हुआ, पहला स्टेप हमारा नेशनलाइजेशन का ही हो गया। और धीरे धीरे करके कुछ सारे मैक्सिमम बैंक्स को नेशनलाइजेशन किया गया, आरबीआई को हम लोग सेंट्रल बैंक भी जानते हैं हम लोग। तो ये फर्स्ट फेज हो गया। नेक्स्ट फेज में क्या हो जाएगा आपका, इससे पहले बताया 1955 में जो इंपीरियल बैंक बना था, ठीक है, वो बन गया 1955 में क्या, एसबीआई। 1920 में इंपीरियल बैंक था, 1955 में हो गया एसबीआई, इसको नेशनलाइज किया गया। फिर एसबीआई का ही कुछ सब्सिडियरीज बैंक होते थे जैसे स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, इस प्रकार से, तो उनको फिर नेशनलाइज किया गया 1959 में। फिर 1969 में नेशनलाइज किया गया 16 बैंक्स का। फिर 1981 में फिफ्थ फेज हो गया आपका, 6 कमर्शियल बैंक का फिर से नेशनलाइज किया गया। तो ये हो गया नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स। जरूरत पड़ गया था, क्यों जरूरत पड़ा था ये ध्यान दीजिएगा ना, क्योंकि ये प्रॉफिटेबल सेक्टर को ही ज़्यादा प्रोवाइड करते थे लोन वगैरह, और लेस वेटेज मिलता था किसको, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल सेक्टर को, ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होता था कौन, नॉर्मली कमर्शियल। फिर आ गया आपका इन्वेस्टमेंट बैंक्स। अब कमर्शियल बैंक का साथ प्रॉब्लम क्या होता था, देखिए यहाँ पे, बिसाइड मीटिंग कमर्शियल नीड्स दे वर आल्सो सपोज टू कंसंट्रेट ऑन डेवलपमेंट ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर लाइक एग्रीकल्चर, मोर ओवर द कंट्री इकोनॉमी ऑफ द कंट्री डिपेंड्स अपॉन द एक्सपेंशन एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ बिजनेस हाउसेस। किसी भी कंट्री के इकोनॉमी का डिपेंड किस पे होता है, बिजनेस वगैरह का एस्टैब्लिशमेंट, जितना ज़्यादा बिजनेस होगा, एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस होगा, तो कंपनी का, किसी कंट्री का इकोनॉमी भी डेवलप होगा। तो कमर्शियल बैंक क्या करती थी, वो ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाती थी एग्रीकल्चर सेक्टर को, ठीक है, एग्रीकल्चर सेक्टर को ध्यान देती थी, लेकिन बिजनेस हाउस के लिए कोई प्रॉपर स्टेप नहीं ले पाती थी। क्या होता था कि अगर आपको न्यू बिजनेस फर्म इस्टेब्लिश करना होगा तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए कैपिटल चाहिए, वो भी कैपिटल क्या चाहिए, ह्यूज अमाउंट, बहुत ज़्यादा कैपिटल चाहिए। फिर क्या किया, वही जो आपका कमर्शियल बैंक था वो स्टार्ट करने लगे लॉन्ग टर्म लोन के लिए, ठीक है, और शॉर्ट टर्म डिपॉजिट प्रोवाइड करने लगे।
फिर अब यही कमर्शियल बैंक इन्वेस्टमेंट बैंक के रूप में जाना जाने लगा। क्यों? बिकॉज डिपॉजिटर्स वे आर नॉट ओनली सेटिंग द फैसिलिटी ऑफ सेफ्टी सिक्योरिटी डिपॉजिट्स एंड विदड्रॉज, डिपॉजिटर को ना ये सब भी नहीं मिलती थी बल्कि इसके अलावे भी इंटरेस्ट भी मिलता था उनके डिपॉजिट्स पे। तो कमर्शियल बैंक किसमें आ गए? अब इन्वेस्टमेंट बैंक, इन्वेस्टमेंट का भी काम इन्वेस्टमेंट बैंकर्स के रूप में भी काम करने लगे। फिर नेक्स्ट आपका डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन DFIs जिसे हम लोग कहते हैं, हिंदी में कहेंगे हम लोग विकास वित्तीय संस्थान। इनका काम क्या है, क्या की जरूरत पड़ा? कमर्शियल बैंक वे आर नॉट एबल टू मीट आउट द फुल रिक्वायरमेंट्स ऑफ शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म लोन, सब कुछ कंप्लीट नहीं कर पाए। दस कंट्रीज इकोनॉमिक डेवलपमेंट वॉज हैम्पर्ड, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म सब कुछ कंप्लीट नहीं कर पाए तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कम होने लगा। मैक्सिमम कैपिटल जनरेटेड बाय कमर्शियल बैंक्स वाज इन फॉर्म ऑफ सेविंग डिपॉजिट्स एंड विथड्रॉ पीरियड ऑफ सेविंग डिपॉजिट्स वर सर्टेन। देखिए मैक्सिमम कैपिटल कमर्शियल बैंक का कहाँ से होता था? सेविंग का डिपॉजिट, जितना भी डिपॉजिट होता था उनके पास बैंक के पास, और विथड्रॉल पीरियड जो है वो फिक्स रहता था ना, सर्टेन रहता था। नॉट पॉसिबल फॉर कमर्शियल बैंक टू पूल देयर मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट इन लॉन्ग टर्म लोन, उनके पास जब पैसा ही कम रहेगा, एक फिक्स पीरियड है कि उनके बाद उनको विड्रॉल करना है, वापस देना है पैसे को, मनी को, कैपिटल को, तो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म लोन पर नहीं कर पाते थे। दस द डेवलपमेंट ऑफ ग्रोथ एंड न्यू बिजनेस हाउसेस वर इफेक्टेड, नया बिजनेस हाउस हो या पुराना भी बिजनेस हो उनका डेवलपमेंट में प्रॉब्लम होने लगा। फिर क्या हो गया, कमर्शियल बैंक रिगार्डेड फॉर बेस्ट फॉर शॉर्ट टर्म लोन के लिए था ना, तो फिर क्या होगा, न्यू एस्टैब्लिशमेंट के लिए क्या हो गया, नया डेवलपमेंट ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हुआ जिसे स्टार्ट हुआ 1940 में। ओके ध्यान दीजिएगा, 1940 में स्टार्ट हुआ, क्या तब एस्टैब्लिशमेंट हुआ था, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया IFCI। देखिए इसको उससे रिलेट मत कीजिएगा, IFCI का फुल फॉर्म ये भी होता है इंडियन फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, लेकिन 1940 में IFCI वहाँ पर क्या था, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। फिर क्या हो गया, RBI है प्रमोटर नंबर ऑफ डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, फिर RBI ने RBI के अंडर में ही ये वर्क करती है, तो और भी प्रमोशन किया गया। 1916 में फिर एस्टैब्लिश हुआ IDBI। ओके ये 1964 में 1964 में एस्टैब्लिशमेंट हुआ एज ए डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। नेक्स्ट आपका इंश्योरेंस कंपनी, बिजनेस वगैरह रन तो करने लगी लेकिन बिजनेस में या फिर किसी भी चीज में आपको रिस्क होने लगा, तो उसके लिए आया इंश्योरेंस कंपनी। कमर्शियल बैंक एंड डेवलपमेंट बैंक वर एबल टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म लोन फाइनेंस फॉर बिजनेस हाउस, बट डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस नॉट ओनली डिपेंड्स अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ एडुकेट फंड्स बट द नंबर ऑफ फैक्टर्स, सिर्फ फंड से काम नहीं चलेगा, कुछ फैक्टर्स है जैसे कि रिस्क ना, वन ऑफ द मेजर फैक्टर इज रिस्क, बिजनेस वगैरह में रिस्क होता था। बिजनेस इज ए फ्यूचर एक्टिविटी, एक दिन का तो काम नहीं है, डेली काम करना है, आने वाला टाइम के लिए काम करना है, और फ्यूचर एक्टिविटी है तो फ्यूचर हमेशा रिस्क से भरा हुआ है, आपको भी पता है, बिकॉज फ्यूचर इज अनसर्टेन एंड अनसीन, ना फ्यूचर को आप देखे हैं ना उसके बारे में पहले से पता है, अब अनसर्टेन अनसीन है तो रेंडम फ्लक्चुएशन होगा, कभी कभी बिजनेस को लॉस भी हो सकता है, तो उस लॉस को बैकअप करने के लिए क्या बनना बना, इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योरेंस इंस्टीट्यूशन बना जो इस लॉस को बियर करते हैं एट सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रीमियम, जो भी पैसे देने पड़ेंगे ना, फ्री में तो कोई लॉस बियर नहीं करेगा, तो उनको सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी देना होगा जिसे हम लोग प्रीमियम करते हैं। तो सबसे पहले आपका इसको अच्छा इंश्योरेंस कंपनी को रेगुलेट करती है IRDA, ध्यान दीजिएगा ना, IRDA रेगुलेट करती है, और सबसे पहले इंश्योरेंस इंडिया में 1818 में आया जिनका नाम था ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाई। फिर 1870 में आया नेक्स्ट बॉम्बे म्यूचुअल लाइफ इंश्योरेंस सोसाइटी। ओके इसके बाद आ जाते हैं हम लोग मोस्ट फेमस कंपोनेंट ऑफ इंडियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन,
that is known as stock exchange. Companies require short-term finance as well as long-term finance. दोनों टाइप का चाहिए, short-term finance आपका capital requirement के लिए, working capital के लिए, और long-term finance business को expand वगैरह करने के लिए. Money market match the availability of short-term funds. Money market क्या काम करता है? Short-term funds provide कर देता है, और capital market क्या करता है? Long-term funds provide कर देता है. Long-term funds generated capital more than 1 year. ये तो मीनिंग हो गया लॉन्ग टर्म फंड किसको कहेंगे जो एक साल से ज्यादा आपको कैपिटल जनरेशन हो बाय मेकिंग इशू ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स सच एज शेयर बॉन्ड्स डिबेंचर ये सारा एक साल से ज्यादा लॉन्ग टर्म के लिए होता है दीज इंस्ट्रूमेंट्स आर डील इन सिक्योरिटी मार्केट ये कहाँ डील होता है इनका सिक्योरिटी मार्केट में इनका डील होता है तो सेबी एक्ट आया 1992 में उससे पहले स्टॉक एक्सचेंज में काम होता था तो बहुत सारे डिफिकल्टीज आने लगा इसलिए सेबी एक्ट आया 1992 में कुछ मेन फंक्शन है कुछ पावर्स है सेबी के मेन पावर्स सारा तो नहीं है कुछ मेन है इसे सबसे मेन काम था इसका काम है इंटरेस्ट प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स इन सिक्योरिटीज जो भी सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं उनका इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना ठीक है प्रमोटिंग द डेवलपमेंट ऑफ द सिक्योरिटीज मार्केट मीन्स सिक्योरिटी मार्केट को डेवलप करना और क्या है रेगुलेटिंग द सिक्योरिटीज मार्केट जो भी एक्शंस लेना हो या जो भी रूल्स रेगुलेशन बनाना हो सिक्योरिटीज मार्केट में वो कौन करेगा सेबी करेगा ओके ये हो गया स्टॉक एक्सचेंज फिर नेक्स्ट आज कुछ स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है फॉर डेवलपमेंट ऑफ कंट्रीज इकोनॉमी इट इज नेसेसरी टू डेवलप वेरियस सेक्टर ऑफ इकोनॉमी मीन्स बहुत सारा सेक्टर इकोनॉमी का जितना भी सेक्टर है सबको डेवलप करना जरूरी है जैसे क्या हो गया एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल ओके एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्सेट्रा एंड दिस सेक्टर कंप्राइजेज नंबर ऑफ इंडस्ट्री इट इज नॉट पॉसिबल दैट कमर्शियल बैंक एंड डेवलपमेंट बैंक्स आर एबल टू मीट ऑल द नीड्स ऑफ फाइनेंशियल सेक्टर सिर्फ इनके भरोसे सारा फाइनेंशियल सेक्टर का डेवलपमेंट नहीं हो सकता है तो स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कुछ आया जो जैसे हम लोग कह सकते हैं ICICI आया IDBI जो डेवलपमेंट बैंक के अंदर है IFCI आया SIDBI है नाबार्ड है एक्जिम बैंक से और आज के टाइम में आप लोग को ये जो शॉर्ट टर्म या फिर आप कह सकते हैं कि इंडिविजुअल नीड्स के लिए पेमेंट्स बैंक वगैरह यूज होता है आजकल देखिएगा पेटीएम पेमेंट्स बैंक या फिर एयरटेल पेमेंट्स बैंक तो ये सारा स्पेशलाइज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है और यूनिवर्सल बैंकिंग ये सारा कंप्लीट जब आप देखते हैं तो आज क्या हो रहा है यूनिवर्सल बैंकिंग हो रहा है मीन्स एक बैंक है जो कमर्शियल बैंक इन्वेस्टमेंट बैंक डेवलपमेंट बैंक सारा कुछ काम कर रहा है आज के टाइम में तो यही ओवरव्यू था आपका फाइनेंशियल सिस्टम इन इंडिया मीन्स क्या फेजेस आए किस फेज में इंडिया में फाइनेंशियल सिस्टम आए नेक्स्ट जो लेक्चर देखेंगे हम लोग उसमें देखेंगे कि फाइनेंशियल सिस्टम का कंपोनेंट्स क्या क्या है मेनली चार कंपोनेंट्स है फाइनेंशियल मार्केट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स या प्रोडक्ट्स बोल सकते हैं या फिर नेक्स्ट हो गया फाइनेंशियल सर्विसेज तो इनके अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स है वेरियस कंपोनेंट्स वो हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में थैंक यू